पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। लता बेटा, फोटो देखने में क्या हर्ज है? देखो तो, शायद तुम्हें कोई पसंद आए। माँ आप ही देख लीजिए, जो आपकी पसंद होगी वही मेरी पसंद है। और वैसे भी मैंने हाँ सिर्फ आपके कहने पे की है, वरना मेरे मन में तो देखो लता बेटा, तुम्हें अपनी माँ पर विश्वास नहीं है? जैसे हाथ की पांचों उंगलियां समान नहीं होती, वैसे सब लोग बुरे नहीं होते। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए, हमारे जीते जी तुम्हारी शादी हो जाए, बस। पिछली बार गलती हमसे हुई थी और दुख तुम्हें भुगतना पड़ा। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम आबाद हो जाओ, तुम खुश रहो। बेटा, हम भगवान से सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे सारे सुख तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे सारे दुख हमें। माँ, तलाक के बाद अगर इनमें से कोई लड़का मुझे पसंद कर ले तो वो मेरी खुशनसीबी होगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो लता? देखो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम दरवाजा खोलोगी और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे सपनों का राजकुमार खड़ा होगा। सच? सर, आप मुझसे कोई गलती हो गई सर, जो आपको यहाँ आना पड़ा? अरे नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, मैं बिना बताए चला आया। वो JKN कंपनी की फाइल तुम अपने साथ घर ले आई थी क्या? जी, वो मुझे घर पे कंप्लीट करनी थी इसलिए। एक्चुअली उसमें मेरा एक इम्पोर्टेंट पेपर गलती से छूट गया था, तो आज मेरी मीटिंग है, मुझे उस पेपर की जरूरत थी। जी, कौन है बेटा? माँ, मेरे सर हैं। सर, आप पहली बार मेरे घर आए हैं, अंदर आइए ना प्लीज। माँ, ये मेरे सर, सर मेरी माँ, मेरे मामा जी। खुश रहिए। मी माइसेल्फ शीतल। मामी ऑफ लता। बेटा चाय तो पी के जाओ। माँ जी, जरूर पीता, लेकिन मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। मैं ही अगर समय पे नहीं पहुंचूंगा तो अपने एम्प्लॉयज से समय पे आने की उम्मीद कैसे रख सकता हूँ? सो नेक्स्ट टाइम मैं आपके हाथ की चाय पीने स्पेशली आऊंगा। नमस्ते, चलता हूँ। तुम ऑफिस जा रही हो? जी। तुम चलो आओ, छोड़ देता हूँ मैं तुम्हें। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी आपको देर हो रही है ना आप। नहीं नहीं, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। कम ऑन, कम विद मी। ठीक है। नमस्ते। मैं आती हूँ। राजू। हाँ। मैं और वीर भाई हॉस्पिटल जा रहे हैं पापा को लेने। हाँ, पर पूजा शुरू होने से पहले आ जाइए। हाँ, जल्दी। बाय। आखिर मत। क्यों? क्यों का क्या मतलब? कभी हमसे भी सरप्राइज ले लिया करो। अच्छा, आगे बंद करो ना। ठीक, खोले। एक मिनट, सरप्राइज नहीं 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 अभी प्लीज। अभी अरे, ये माने तुम्हें देने के लिए कहा था। आभा हमारे पुश्तैनी जेवर है और इस फंक्शन के लिए माँ की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। पर भाभी, इतने से फंक्शन के लिए इतना भारी गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी?
और वैसे भी आभा के पास पहले से बहुत से पुश्तनी जेवर है। तुम फिक्र क्यों करती हो प्रियंका? पुश्तैनी जेवर अभी खत्म नहीं हुए हैं, जब तुम्हारा टाइम आएगा तो तुम्हें भी मिल जाएंगे। शैली भाभी, मैं अपनी बात नहीं कर रही थी, आखिर इन जेवरों पर कनिका का भी तो हक है। हक है? बिल्कुल, अपने मायके पर उसका पूरा हक है, लेकिन ये जो पुश्तैनी जेवर होता है ना प्रियंका, इस पे घर की बहू का हक होता है। और तुम्हें अचानक कनिका की इतनी फिक्र क्यों होने लगी? उसे जो कुछ भी मिलेगा प्रकाश और उसके घर वाले देंगे। फिर तो मिल चुका बिचारी को कुछ भी, एक ऑटो वाला तो इमिटेशन ज्वेलरी भी नहीं अफोर्ड कर सकता। भाभी, माना आज उनका वक्त अच्छा नहीं चल रहा, पर समय बदलते देर नहीं लगती। जैसे इस घर का बुरा वक्त चला गया है, वैसे उस घर का भी चला जाएगा। हमें पूरा विश्वास है, अब कुछ गलत नहीं होगा। चलिए भाभी, बहुत सारे काम हैं। पापा वो दोनों चले गए। चले गए मतलब? हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि उनका लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है, वो लोग होटल में ही कंफर्टेबल है इसीलिए। ओह अच्छा, ठीक है, जब मैं अच्छा हो जाऊंगा तो पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं। पिताजी, माँ। अच्छा हुआ आप आ गए। देखो नाना नानी आए हैं। पापा भी अभी आए हैं हॉस्पिटल से। आज बहुत शुभ दिन है। अरे बेटा, आज तो बहुत ही शुभ दिन है, वकील साहब घर आ गए, हमारी गुड़िया को नया प्यारा सा नाम मिलने वाला है। भाई वैसे देखा जाए तो हमारे खानदान की अगली पीढ़ी का प्रारंभ है ये बच्ची। लता दीदी नहीं आई? अभी आती होगी, ऑफिस से सीधे यही आने को कहा है हमने उसे। आप आइए ना। आइए आइए मैम। आज कितना शुभ दिन है, सब कितने खुश हैं। बस बस वो कुरियर एक बार हमारे हाथ लग जाए, फिर हम करण पे लगा इल्जाम भी झूठा साबित कर देंगे। कोयल जी, अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विमल जी, आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना? हाँ हाँ, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात है जो आपने आभा को भी बताने से मना कर दिया? बताता हूँ, पहले आप अपने ज्वेलरी शॉप का काम खत्म कर लो, फिर आराम से बात करेंगे। वैसे आज गुड़िया की मासी जी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, मस्त से। जी क्या बात है, आपको हमारी कंपनी बोरिंग लग रही है? नहीं आप, ऐसी बात नहीं है, हम कभी किसी के साथ ऐसे बाहर नहीं गए हैं। तो क्या आदत डालो, अब तो हमारा मिलना होते रहेगा। मोस्ट वेलकम। अरे आइए आइए प्लीज। नमस्ते नमस्ते। आइए माँ। लता दीदी नहीं आई? वही तो हम सोच रहे हैं, इतनी देर क्यों हो गई उसे? आभा
अब इंतजार किस बात का है, रस्में शुरू करते हैं ना। नहीं नहीं, हम लता दीदी का इंतजार करेंगे। अरे गुड़िया की इकलौती मासी है और हम चाहते हैं सबसे पहले वही गुड़िया का नाम कान में बोले। बिल्कुल वही बोलेंगी, हम वेट करेंगे। हम एक बार फोन ट्राई कर लेते हैं। हाँ भा। हाँ दीदी, कहाँ हैं आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैं बस 20 मिनट में पहुंच जाऊंगी। एक्चुअली माँ ने कुछ काम कहा था तो बस वो करके आ रही हूँ। और मेरे साथ आपके साथ क्या, आप किसी के साथ हैं? हाँ कौन है वो? आभा मैं जिनके साथ हूँ वो नहीं चाहते कि मैं उनके बारे में तुम्हें बताऊं। तुम जब देखोगी तो खुद ही समझ जाओगी। ठीक है बाय। हाँ पर जल्दी। दीदी किसके साथ हो सकती? आपने तो जान ही निकाल दी थी। आप लड़कियों के पेट में कोई बात पचती नहीं है क्या? लो आ गई आपकी ज्वेलरी शॉप। लगता है आज का मुहूर्त इंतजार में ही निकल जाएगा। गुड़िया की मासी को लगता है गुड़िया के नामकरण फंक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रियंका, मेहमानों में क्या बकवास कर रही हूं? मैं अपने लिए नहीं कह रही हूं, बाहर से भी औरतें आई है, उनके टाइम के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। माँ आपने लता दीदी को कोई काम दिया था क्या? उन्होंने कहा वो कुछ काम खत्म करके आएंगी। बेटा गुड़िया का नामकरण है, हम खाली हाथ कैसे आते? तो कुछ कंगन दिए थे बनवाने के लिए, वो लेती आ रही है। माँ इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटा, अब तुम लोग भेंट की रस्म शुरू कर लो, हम लता आने के बाद दे देंगे। ठीक है। बच्चे को मंगल टीका लगाइए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत प्यारी है। थैंक यू। थैंक यू क्या? देखो ताई जी क्या लाई है। पापा की बीमारी में हमारे सब पैसे खर्च हो गए। इसलिए गुड़िया के लिए एक छोटा सा तोहफा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप भाभी, इतना दिया वही काफी है। देखो छोटी ताई जी आपके लिए क्या लाई। लता को
ज्यादा ही देर हो गई है। आ जाएंगे। वैसे गुड़िया के लिए तोहफा तो नानी के घर से आना चाहिए। लेकिन लगता है नानी तोहफा लाना भूल गई है ना प्रियंका? नहीं नहीं वो लता अभी आ जाएगी, हम दे देंगे। माजी इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाभी गुड़िया को उसकी नानी का प्यार और आशीर्वाद मिल गया, यही हमारे लिए काफी है। पूजा पूजा वो एक फिल्म में था ना करीना कपूर का नाम, फिर हम उसे पू करके बुला भी सकते हैं ना। कभी कभी खुशी खुशी गम गम में कभी खुशी गम गम नहीं, कभी खुशी कभी गम। प्रियांशी प्रियांशी करण प्लीज प्रियांशी प्रियांशी। परिणीता कैसा है? अच्छा है। माँ जी माँ अगर आप सबको एतराज ना हो तो मैंने और आभा ने सोचा है कि हम गुड़िया को पावनी कह के बुलाए। पावनी अच्छा है ना? अच्छा है। सबको स्वीकार है? हाँ है। बहुत बहुत पवित्र नाम है पावनी, बहुत दिव्य नाम है। कितना अच्छा नाम रखा है ना पावनी। आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? आपके भाइयों को तो आपकी चिंता नहीं है, आप उनकी चिंता क्यों करते हो? करण जी आइए और बच्ची के दाहिने कान में उसका नाम बोलकर बोलिए कि आज से आपका नाम पावनी हुआ। पावनी? लता अभी तक नहीं आई आभा, अब चिंता होने लगी है। क्या बात है बहन जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। लता अभी तक लौटी नहीं, बहुत देर हो गई, अभी चिंता होने लगी है हमें। आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, हमारी बच्ची बहुत समझदार है। अब एक बार पुनः बच्ची को बाहर ले चलना है ताकि अपनी नन्ही नजरों से प्रकृति के सुंदर दृश्यों को निहार ले, उसी के साथ विधि संपन्न हो जाएगी। आइए आइए पावनी को बाहर लेके चलते हैं। शैली जी वाह, सब तैयारियां हो गई ना? हम हो तो गई, बस मैंने विमल को कहा था कि रबड़ी ले आए, लेकिन पता नहीं फोन ही नहीं उठा रहे। मैं कब से ट्राई कर रही हूं। आ जाएगा विमल, बाकी का नाश्ता लगाओ। हमें वो लगवाते हैं आप। चलो आइए बैठिए, आइए नाश्ता करें, आइए ना, आ जाएगी लगा। श्याम राजू प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मेहमान आने शुरू हो गए। हाँ शैली बोलो। विमल आप फोन नहीं उठा रहे हो, कहाँ है कहाँ आप? शैली मैं काम में हूँ, जरा बिजी हूँ। सारा नामकरण खत्म हो गया, लोग नाश्ता करना शुरू हो गए, कब आएंगे आप? अरे वीर और करण है ना वहाँ पर, मैं जरा काम में अटका हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन वो क्या क्या रबड़ी लाने वाले थे आप मीठे के लिए, वो भी नहीं लेकर आए, सब नाश्ता करने लग गए यहाँ पर। क्यों नहीं आई रबड़ी? अरे मैंने वो हलवाई को बोला तो था सही वक्त पर पहुँचाने के लिए, मैं अभी उसे वापस फोन करता हूँ। हाँ लेकिन आप कब तक आएंगे? अरे अभी मैं बात नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ विमल। लेकिन बाय 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 बाय। कम से कम राज का शुक्रिया तो अदा करना चाहिए मुझे। नमस्कार। हेलो राज बेटे, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ अंकल जी, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अभी आया हूँ घर हॉस्पिटल से। कहिए अंकल जी, आपने फोन कैसे किया? वो
तुम्हें शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने फोन किया। तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा बेटे। बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमें बताया नहीं और मुंबई चले गए। मुंबई? हम तो उज्जैन में हैं अंकल। उज्जैन में? अरे आप फोन पे बात करते जा रहे हैं जब डॉक्टर ने आपको मना किया है ना। लाइए फोन मुझे दीजिए, लाइए। हेलो राज, हम थोड़ी देर बाद फोन करवाते हैं, ठीक है? इनको जरा नाश्ता करवाती हूँ। ये लीजिए, जूस लीजिए। प्रतिभा, राज तो यहीं उज्जैन में है और तुमने मुझसे कुछ और ही कहा था। वो उनका बिजनेस ही ऐसा है ना, कभी मुंबई जाते हैं कभी उज्जैन में, आ गए होंगे वापस। आप नाश्ता कीजिए, दवाई भी तो लेनी है ना। कौन सी 10-12 नंडे तुम लोगों की? कनिका इकलौती बेटी है इस स्वर्ण भवन की, उसके हिसाब से फंक्शन की तारीख ऊपर नीचे कर लेनी चाहिए थी। गुड़िया को नाम देना आज ही जरूरी था। जहां इतने दिन गुड़िया गुड़िया बुला लिया, वहां 2-4 दिन और बुला लेते। बुरा मत मानिए दीदी, मगर इस बार आपकी आभा से तो चूक हो ही गई। आभा से कोई चूक नहीं हुई है, इस घर की किसी भी सदस्य से कोई चूक नहीं हुई है, कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि मैंने खुद कनिका से बात की थी और उसी की रजामंदी से ये फंक्शन रखा गया है। शैली और आभा ने तो इस घर को इतनी अच्छी तरह से संभाला है। ये दोनों के बगैर स्वर्ण भवन में एक तिनका भी नहीं हिल सकता। और जहां तक आभा की बात है, वो तो इस परिवार की नींव है। मम्मी जी प्लीज, यहाँ बहु बेटी के बीच फर्क करना तो दूर, तीनों बहुओं के बीच फर्क किया जाता है। अब देखिए ना, आपने अभी अभी कहा कि आपकी दोनों बहुएं आभा और शैली ने इस घर को कितने अच्छे से संभाल के रखा है। माना मैं नई हूँ, मुझे घर के कामकाज अच्छे से नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे परिवार के बहू का दर्जा देना ही भूल जाए। मेरा ये मतलब नहीं था बेटा, तुम तीनों ही मुझे उतनी ही प्यारी हो जितनी कि मेरी अपनी बेटी कनिका। प्लीज मम्मी जी, कभी कभी मुझे लगता है कि वीर आपका सगा बेटा है ही नहीं। इसलिए तो उसके साथ इतना सौतेला व्यवहार किया जाता है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी बातें करके आप वीर भैया के मन में खटास पैदा कर देंगी। इस घर में वीर बड़े भैया हैं, वीर भैया हमारे बड़े भाई हैं, इस घर के बड़े बेटे हैं, और वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस घर में कभी किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं हुई। ये बात इस घर के बेटे जानते हैं, बाकी भी समझ लें तो अच्छा होगा। आज तो आपने सबके सामने माफी मंगवा दी, पर छोड़ूंगा नहीं। आप?
वही आदमी है जिसने हमारे साथ मार्केट में बदतमीजी की थी। उसके हाथ में हमने लता दीदी का रुमाल देखा, वो जरूर जानता होगा। चलिए अरे भाई साहब, अरे 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 भाई साहब, अरे अरे क्या कर रहे हो भाई साहब? तुम जानते हो ना लता दीदी कहाँ है? ये जानता है? मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। छोड़ पड़ो, ये रुमाल कहाँ से आया तुम्हें? कहाँ से आया मैडम? ये रुमाल तो मेरे को लफड़े में मिला था, इस पे एल लिखा है, इसलिए मैं अपने हाथ में बांध लिया। झूठ मत बोलो, इस पे एल लिखा है करण, ये लता दीदी का एल है, हम जानते हैं। ये एल लिखा है, मेरा नाम लक्की है साहब। क्या नाम है तेरा? लक्की कुमार। कह रहे थे तुम 16 नंबर गोली? 16 नंबर में रहता है। अगर बाद में पकड़े गए ना तो पुलिस को बुलाऊंगा मैं। हमें नहीं, भागे क्यों? भागा क्यों? हाँ? मैंने आपको सांप के साथ देखा, इसलिए डर गया था, इसलिए भाग गया। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।